हेलो सुख, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उस पर कुछ नंबर्स आपने देखे होंगे, उन नंबर्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। जो सबसे पहले हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो सेम जो आप जैसा फॉर्मेट देख रहे हैं, इस तरह के फॉर्मेट आपने अपने टायर्स गाड़ी के टायर्स पर भी देखे होंगे। सो उसके बारे में आज बात करेंगे। जो हमारा एग्जाम्पल है 195/55R1687V, इस तरह के फॉर्मेट में आप अपनी गाड़ी के टायर्स भी देखिएगा, वहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट में आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं 195 जो है वो mm में होता है, जो फर्स्ट डिजिट है वो mm में रहेगी। और mm मीन्स आपकी गाड़ी के टायर्स की जो विड्थ है वो आपकी दी हुई है 195 mm, मींस गाड़ी के जो टायर्स की विड्थ है 195 mm है। सेकंड स्लैश करके यहाँ पे आपको 55 देखने को मिलता है। 55 क्या होता है, परसेंटेज में होता है, मींस 195 आपके गाड़ी की जो है टायर की विड्थ है, 55 जो आपकी गाड़ी के टायर की जो साइड वॉल होती है, जो साइड वॉल होती है गाड़ी के टायर्स की, उसकी हाइट दी हुई है 55%, मींस 195 का 55% जो है वो आपकी साइड वॉल, जो गाड़ी के टायर्स हैं उनकी साइड वॉल की हाइट है। थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलता है R। R का मतलब होता है रेडियल। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तीन तरह के टायर्स के टाइप होते हैं अगर मैं कंस्ट्रक्शन वाइज बात करूँ तो। सबसे पहले आता है रेडियल प्लाई, सेकंड नंबर पे आता है क्रॉस प्लाई या फिर बाइस प्लाई भी बोलते हैं इसको, थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है बेल्टेड बाइस प्लाई। अब मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि इन तीनों जो टायर्स के टाइप हैं इनका क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है इसका मतलब। बाकी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो टायर की कंस्ट्रक्शन है वो उसके अंदर जो प्लाइज होते हैं वो 90 डिग्री पे रहते हैं, ये मीन्स होता है आर का। उसके बाद आता है 16, मुझे लगता है सारे लोग जानते होंगे 16 inches, जो आपकी टायर की व्हील की रिम होती है, रिम का साइज़ जिसको टायर साइज़ भी बोलते हैं, कितने साइज़ का टायर आ रहा है, मीन 16 inch, ये इंच के अंदर काउंट होता है। यहाँ पे एग्जांपल में 16 है, मीन 16 इंच का टायर है ये, जिसको नॉर्मली बोलते हैं। इसके बाद आता है 87 जो है यहाँ पर इसका वेट है, मीन्स एक सिंगल टायर, देखिए 87 जो है केजी नहीं है, ये एक मैं आपको एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने आपके सामने एक टेबल दी हुई है, ये कोड्स होते हैं, वेट के कोड हैं ये, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 87 का मतलब क्या है, कितना लोड सिंगल टायर सह सकता है अपने ऊपर। तो ये 87 जो है ये सिर्फ कोड है, इस कोड के थ्रू आप टेबल से रीड कीजिए, आपके आपकी गाड़ी के टायर के अंदर अगर यहाँ पे 68 लिखा हुआ है तो आप जो सामने आपको टेबल दिख रही है, टेबल पे आप चेक कर सकते हैं 68 का मतलब कितना मैक्सिमम वेट आपका टायर जो है वो सह सकता है। इसके बाद में 87 के बाद में आता है V। V मीन्स होता है, ये होती है स्पीड, मीन्स आपका जो गाड़ी का टायर है वो मैक्सिमम वेट पे कितनी स्पीड तक जा सकता है, मींस अगर आप इतनी स्पीड के बाहर गए तो आपका टायर ब्लास्ट हो सकता है, मींस उसकी सहन शक्ति से बाहर चला जाएगा। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया, मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। जैसे मैंने लास्ट में वी बताया था, वी की भी मैं टेबल आपको शो कर देता हूँ। ये टेबल है जो आपकी स्पीड, जो टायर की जो स्पीड है कि मैक्सिमम स्पीड तक कितना जा सकता है फुल लोड के साथ में टायर, तो वो आपको यहाँ पे शो कर दिया है। सो अब मैं आपको एक समरी बता देता हूँ सबकी। सबसे पहले जो आपने देखा 195 mm, ये टायर की विड्थ है। सेकंड नंबर पे जो इसका एक्सपेक्ट रेशियो था 55%, ये इसका परसेंटेज था, 195 का परसेंटेज था, जो कि साइड वॉल की हाइट होती है। इसके बाद में आपने देखा आर, ये रेडियल होता है, मीन्स किस टाइप का टायर है, कंस्ट्रक्शन वाइज रेडियल टायर था। इसके बाद में आपने देखा कि 16 inches, मींस इंचेस कितने, कितना बड़ा टायर है, 16 इंच का टायर है इसके अंदर। फिर उसके बाद में आपने देखा कितना लोड वेट जो है वो सरवाइव कर सकता है, तो यहाँ पे कोड जो था वो 87 था। इसके बाद में हम बात करते हैं वी, ये जो है वो स्पीड शो कर रहा है, इसके लिए इन जो स्पीड है और वेट है इन दोनों के लिए मैंने चार्ट आप देख पा रहे हैं। बाकी मैं एक काम करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिए चार्ट शो कर दूँगा। सो ओवरऑल अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो सामने आप एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को मैंने क्रिएट किया है ताकि आप सारी चीज़ें समझ सकें सही से। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इस इमेज को चेक कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि टायर रीड कैसे करते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत हो सकता है कि नॉलेज आपको मिली होगी, माफ़ कीजिएगा मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकता वीडियो के अंदर, इसलिए वन शॉट वीडियो बनाई है। सो थैंक यू सो मच अगेन मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।